बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टेंथ क्लास चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था हमने। आज का जो आपका लेक्चर है, लेक्चर नंबर 26, टॉपिक है आप लोगों का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हमने देखना है कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े थे, उन्हीं स्टेप्स को एक फॉर्म देना, एक तरतीब के साथ लिख देना, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने देखा था कि किस तरह स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, वो हमने देखा था। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो टेक्निक थी। याद रखिएगा, एल्गोरिथम से भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करते क्या है, स्टेप्स होते हैं हमारे पास, उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, स्टेप्स की लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट को नाम दिया जाता है एल्गोरिथम का। अब उसी लिस्ट में जो स्टेप्स होते हैं हमारे पास, उस लिस्ट में हम बता देते हैं कि किस तरह हम लोग इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के बाद मजीद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। उसको ओवरऑल जो हमारे पास स्केच होता है, लेआउट होता है, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। डेफिनेशन इसकी करते हैं, देखिएगा, एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। याद रखिएगा, इसमें अनलिमिटेड स्टेप्स भी आ सकते हैं। याद रखिएगा, जितना कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा एल्गोरिथम के स्टेप्स उतना ज़्यादा होंगे। एक बात ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितना लेंथ ही आप लोगों का एल्गोरिथम है, जितना लेंथ ही आप लोगों का प्रॉब्लम है, या उसके बाद ये भी कह सकते हो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं। एल्गोरिथम इज़ अ फिनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ फॉलोड अ कम्प्लेक्स पर्टिकुलर टास्क। याद रखिएगा, जो एल्गोरिथम हम लोग लिखते हैं या ड्रा करते हैं, वो एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास काम करने के लिए, या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका क्या लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं। उसमें नहीं पता होता हमें शुरू में, जैसे ही हम लोग काम करते हैं एल्गोरिथम लिखते हुए, कि कितने स्टेप्स का हमें एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, या इस एल्गोरिथम में, या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें कितने स्टेप्स लिखने पड़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फिनाइट एंड इफेक्टिव। अब यहाँ पर बता रहे हैं, एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फिनाइट एंड इफेक्टिव। याद रखिएगा, जो एल्गोरिथम हो उसमें हम लोग स्टेप्स कौन से लेते हैं, मेन स्टेप। अब जो एल्गोरिथम होगा हमारा वो इंक्लूड होगा मेन स्टेप्स। इट्स मीन हम लोग मेन पॉइंट उठा के बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि इस स्टेप में हमने ये काम करना है जो इम्पॉर्टेंट हो। अब इम्पॉर्टेंट जो हमारा काम होता है हर एक स्टेप पे, उसको हम लोग एक तरतीब दे देते हैं। क्या देते हैं, एक तरतीब देते हैं, वो एक इफेक्टिवली शो हमें करता है, वो एक इफेक्टिव वे बन जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। या उसमें ये भी कह सकते हैं, जो हमारे पास अभी लिखा हुआ एल्गोरिथम है, या लिखे हुए जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो मेन स्टेप्स हैं, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड नहीं करेंगे। कोशिश करते हैं कि मेन स्टेप्स को ही हम लोग फॉलो करें, या मेन स्टेप्स को ही हम मेन स्टेप का हवाला दें कि अपने एल्गोरिथम को आगे बढ़ें और शॉर्ट से शॉर्ट करते जाएं। जितने स्टेप्स कम होंगे हमारे एल्गोरिथम के, और उतना हमारा टाइम भी हमें हमारा कम लगेगा एल्गोरिथम को सॉल्व करते हुए, या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। अब देखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म ऑफ, यहाँ पर बता रहे हैं लाइक और टू डू लिस्ट। अब याद रखिएगा, जो एल्गोरिथम आप लोग लिख रहे हो या बना रहे हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब आगे चल के आपने उसी लिस्ट पे जितने भी, यानी कि एक लिस्ट में आपके पास टास्क हैं, या एक टास्क में आप लोग ये भी कह सकते हो कितने स्टेप्स हैं, या कितने स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ सकता है। इन शॉर्ट, जो लिस्ट आप लोग एल्गोरिथम की बनाते हो, दोबारा हमें बाद में काम भी उसी पे करना पड़ता है। अब इन शॉर्ट मैं आप लोग को एग्जांपल की तौर पर बता देता हूँ। आपके पास एक चंद स्टेप्स हैं, इन शॉर्ट कर देते हैं हम लोग ताकि टाइम भी हमारा बच जाए कुछ। लेट सपोज किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप हैं। क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम में लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम के लिए मेरे पास क्या है, 5 स्टेप्स हैं। अब इन्हीं 5 स्टेप को
मैं क्या करूंगा, एक तरतीब दे दूंगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर एंड नंबर फाइव। अब ये एक ऐसे समझ लो मेरे पास लिस्ट बन गई है। क्या बन गई? लिस्ट बन गई है। अब इस लिस्ट में है क्या, स्टेप्स है कितने, पांच, पांच स्टेप हैं इस लिस्ट में। इट्स मीन ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने एक एल्गोरिथम लिखा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या लिखा है मैंने, एल्गोरिथम लिखा है। अब तो मैंने लिख लिया, नेक्स्ट आगे आके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन पे काम करूँगा, टू डू टास्क, टी से शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ सेम, जब फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे मैं क्या करूँगा, टू डू टास्क। अब इट्स मीन पहले काम हमने पहले स्टेप पे पहला टास्क कर लिया उसी लिस्ट पे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अगला स्टेप होगा उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे वर्क करेंगे, नेक्स्ट अगले पे करेंगे, नेक्स्ट अगले पे करेंगे। तो इस तरह हम लोग पहले एल्गोरिथम लिखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम लोग उस पर काम करते हैं। ये इजी रहता है कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। इन शॉर्ट फुल कंसंट्रेशन हमारी एक एक टास्क पे आ जाती है। इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब इसमें हम लोग मजीद देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। चलिए हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह वहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम, कि किस तरह एल्गोरिथम लिखा जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन। याद रखिएगा, जैसे ही प्रॉब्लम का सामना होता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जैसे ही हमें प्रॉब्लम का सामना होता है या प्रॉब्लम आ जाता है हमारे सामने, उसको सॉल्व करने के लिए उसी प्रॉब्लम की क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उस प्रॉब्लम की क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन, कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और इसको कैसे हैंडल करना है। अब स्टेप वन हमारे क्या, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसी में हमें जो फॉलो करने पड़ेंगे चंद स्टेप्स होंगे, उनको देख लेते हैं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले क्या क्या करते हैं और क्या क्या रिक्वायर है। क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रोसेस। पहले हमें इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस होगा या किस प्रोसेस को लेकर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहला क्या था, आइडेंटिफाई द प्रोसेस, प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई रिपीटेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई रिपीटेशंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई मेजर डिसीजंस। उसके बाद क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स। अब ये चार मजीद स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, एक ये, दूसरा हमारे पास ये, तीसरा क्या है ये, चौथा ये। सबसे पहले प्रोसेस देखना है, उसके बाद रिपीटेशंस उसकी देखनी होती हैं, उसके बाद मेजर डिसीजंस हमने देखने होते हैं एल्गोरिथम लिखते हुए, लास्ट में क्या है, वेरिएबल्स देखनी होती हैं। याद रखिएगा, जब रिपीटेशन की बात आए या एल्गोरिथम को डिवेलप करते हुए, रिपीटेशन मीन अगर कोई स्टेप एक से ज़्यादा मरतबा लिखा गया है, रिपीट किया गया है, तो उसको रिपीट ना होने दें, जस्ट एक दफ़ा लिख दें बस काफ़ी होता है। अब रिपीटेशन हमने देखनी है, उसकी चेक करनी है, कहीं रिपीट तो हमने स्टेप्स नहीं किए हुए, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। नेक्स्ट ये मेजर डिसीजंस, जहाँ पर डिसीजंस की ज़रूरत हो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखते हुए उसके इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसके डिसीजंस चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें डिसीजन इसका लेना पड़ सकता है, जब डिसीजन की सैंपल किस जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे। लास्ट वन क्या है, वेरिएबल्स चेक करते हैं कि इसमें कौन सी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो सकती हैं। ये थी हमारी शुरू शुरू में इन्वेस्टिगेशन। आगे हमारे पास स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टेप टू में करते हैं प्रिलिमिनरी। सेकंड स्टेप पे बच्चों हम करते हैं प्रिलिमिनरी एल्गोरिथम। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं, सेकंड स्टेप जो हमारा है एल्गोरिथम को लिखते हुए प्रिलिमिनरी हम एल्गोरिथम की करते हैं। इसमें मजीद स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। शुरू में हम लोग जो एल्गोरिथम देखते हैं स्टेप टू पे, वो क्या, डिवाइस अ हाई लेवल एल्गोरिथम।
अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम को लिखते हुए ज़्यादा स्टेप्स आ रहे हैं, क्या ज़्यादा स्टेप्स का सामना हो रहा है या हाई लेवल एल्गोरिथम बन रहा है, तो उसको डिवाइस कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? डिवाइस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम। स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम डज दिस वर्क थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम। If it does, then correct the problem. अब इस लाइन में क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोग एल्गोरिथम लिख रहे हो या उस एल्गोरिथम में आप लोग उसी एल्गोरिथम या उसी प्रॉब्लम के बारे डिस्कस कर रहे हो या उसी प्रॉब्लम के जो स्टेप्स हैं उन्हीं को लिख रहे हो कि नहीं, अगर उन्हीं से आप लोग कोई एक्स्ट्रा स्टेप लिख देते हो किसी और हवाले से जो रिक्वायर नहीं था, तो आप लोग उसको ख़त्म कर दोगे, वही लिखोगे जो सही होगा। लेट सपोज मेरे पास एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स लिखे हुए थे एल्गोरिथम में, अब उसमें कोई और स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं वैसे ही जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो हमें उस इंफॉर्मेशन के स्टेप को रिमूव करना होगा, करेक्ट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड हमें क्या करना होगा, स्टेप लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर थ्री रिफाइनिंग द एल्गोरिथम, के एल्गोरिथम जो आपने लिख लिया है उसको आप लोग रिफाइन करो, चेक करो। अब उसमें आके हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं एल्गोरिथम की, उसको दोबारा चेक करते हैं। पहला हमारा पास स्टेप क्या है इसका, इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स एंड इंडिकेट्स इन स्टेप टू। अब इसमें इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेट करते हैं हम लोग इन स्टेप टू, जो हमने स्टेप टू में दोहराए थे या वहाँ पर चेंजेस की थी, चेक किया था एल्गोरिथम को, यहाँ पर उसी की रिफाइनिंग करते हैं, उसी को रिवाइज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रुप टुगेदर प्रोसेस एंड वेरिएबल्स, जो हमने वहाँ पिछले इन्वेस्टिगेशन में हमने चेक किया था, इन्वेस्टिगेट पे हमने वेरिएबल्स चेक की थी, सेम इधर भी आकर हम लोग उसी को प्रॉब्लम की जो प्रोसेस है और उसकी जो वेरिएबल्स हैं उनको चेक करते हैं कि वहाँ पर हमने अप्रोप्रिएट जगह पे इस्तेमाल की थी कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेस्ट द एल्गोरिथम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट। अब जो एल्गोरिथम हमारे पास लिखा हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं उसके स्टेप्स को अगेन एंड अगेन। अब इन शॉर्ट मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजीज टू है। अब उन टू स्ट्रेटजीज को लेके थर्ड स्ट्रेटजी में हम लोग आके उन्हीं टू स्ट्रेटजी को चेक करते हैं, इस बात को समझिएगा। मेन थ्री ओवरऑल तो हमारे पास थ्री स्ट्रेटजीज हैं, जो मेन टू है फर्स्ट एंड टू। अब स्ट्रेटजी नंबर थ्री पे हम लोग करते क्या है, उन्हीं टू स्ट्रेटजी को चेक करते हैं कि हमने सही सही लिखी थी या सही काम किया था इस पे कि नहीं। तो ये था आप लोगों का एल्गोरिथम के हवाले से। मजीद हम लोग एल्गोरिथम ड्रा करके देखेंगे कि किस तरह एल्गोरिथम लिखा जाता है किसी भी प्रॉब्लम का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।